सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा माइनक्राफ्ट 1.19 ऑटोमेटिक एंड इजीएस्ट कैरेट फार्म, जो कि बहुत ही एफिशिएंटली वर्क करेगा एंड बनाना भी बहुत इजी होगा। सो लेट्स गेट टू वीडियो। सो आपको उसके लिए चाहिए होगा ग्लास, आपको सिर्फ कलर ले सकते हो, फेंस हो, कंपोस्ट, फ्लैचिंग टेबल, एक स्लैब, कैरेट्स आपको बहुत सारी लगेगी, दो चेस्ट, हॉपर एंड वाटर। तो सबसे पहले एक ब्लॉक तोड़ के उसमें पानी डाल देना है एंड उसके आसपास चार चार ब्लॉक तक आपको हो कर देना है, इसके चारों साइड कर देना जैसे मैं कर रहा हूँ। एंड अभी आपको कॉर्नर से इनको ज्वाइन कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना, एंड फिर इनके सेंटर में भी आपको हो कर देना है। एंड अभी इनके बीच में भी हो कर देता हूं मैं फटाफट से। तो आपको वाटर के ऊपर कंपोस्टर रखना है एंड इसके ऊपर स्लैब लगा देनी है, वैसे भी हमें इसको बाद में हटाना है। एंड अब यहाँ पे बाउंड्री पे आप कोई सा भी ग्लास लगा सकते हो, दो दो ब्लॉक ऊपर कर देना। तो मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ग्लास ही लगा रहा हूँ क्योंकि ये मेरे को थोड़ा सही लग रहा है। एंड बस ये हो गया। एंड गाइस, ये कुछ ऐसा लगेगा। एंड अब हमें यहाँ पे बनाना है इसका स्टोरेज सिस्टम। तो यहाँ पे पहले आपको दो ग्लास हटा देने हैं एंड यहाँ पे लगा देना है आपको चेस्ट। एंड अब चेस्ट के पीछे जाके आपको यहाँ पे तीन हॉपर लगा देने हैं कुछ ऐसे। एंड इसका यहाँ पे बीच का ब्लॉक छोड़ देना। एंड अभी यहाँ पे इनके कॉर्नर वाले हॉपर्स पे आपको फेंस लगा देने हैं दो, एंड इन फेंस के ऊपर आपको ग्लास भी लगा देना है। अभी यहाँ पे फार्मर आपको विलेजर लाना है एंड तब तक रुकना जब तक ये अपनी जॉब नहीं ले ले फार्मर वाली। एंड फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जहाँ स्पेस बचाई थी वहाँ पे भी आपको एक विलेजर ले आना है। एंड इसको भी यहाँ पे कोई भी जॉब दे सकते हो, तो मैं यहाँ पे फ्लेचर की इसको जॉब दे रहा हूँ। जब तक ये नहीं ले तब तक यहाँ पे रुकना है एंड फिर इससे एक बार ट्रेड कर लेनी है फ्लेचर से, एंड इससे भी आपको ट्रेड कर लेनी है फार्मर से। एंड गाइस, ट्रेड करने के बाद आपको इनके वर्क स्टेशन हटा देने हैं। एंड मैंने इस लैब को कुछ ऐसे लगा दिया है, आप लोग भी लगा सकते हो। तो अभी यहाँ पे हम फार्मर वाले विलेजर को कैरेट्स दे देते हैं ताकि वो अपनी फार्मिंग स्टार्ट कर ले। एंड तब तक अपन यहाँ पे ऊपर से इसको ब्लॉक कर देते हैं। एंड गाइस, हमने इस विलेजर को कैरेट इसलिए दिए ताकि इसकी इन्वेंट्री जब फुल हुए तब ये अपने दूसरे वाले विलेजर को अपनी कैरेट्स दे एंड वो हॉपर के थ्रू अपने चेस्ट में आ जाए। मैंने यहाँ से स्लैब भी हटा दी, मेरे को थोड़ा सही नहीं लग रहा था। एंड इसको ऊपर से कवर कर देना है एंड ये कुछ ऐसा लगेगा। एंड यहाँ पर ये देख सकते हो कि इसको कैरेट दे रहा है क्योंकि इसकी इन्वेंट्री अब फुल हो चुकी है। तो गाइस, यहाँ पे धीरे धीरे करके कैरेट्स आने लग जाएंगी, तो मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ एंड फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को 10 से 20 मिनट हो चुके हैं एंड अभी तक इसने 3 स्टैक और 4th स्टैक शुरू हो चुका है कैरेट्स का, तो ये वर्क कर रहा है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। एंड मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।